दोस्तों आज से करीब 70,000 से 1,00,000 सालों पहले इंसानों ने अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में बसना शुरू कर दिया, जहां पहले कोई भी इंसान नहीं रहता था। और आज इसी सफर से मानव प्रजाति का पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अधिकार हो गया है, जिससे आगे जाकर इंसानी प्रजाति पृथ्वी के हर मौसम और हर जमीन पर बसने वाली थी। और आज यही सफर हमें यहाँ तक ले आया है, जहाँ से हम पृथ्वी के परे अनंत ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। पर क्या आपको मालूम है, आज भी दुनिया भर में ऐसे इंसान हैं जो लाखों सालों से समंदर के पानी के ऊपर ही रहते हैं, जिन्होंने आज तक जमीन पर पाव भी नहीं रखा है। सुनने में जरा अजीब है, पर यह सच है। और आज इस वीडियो में हम इसी अजीब प्रजाति के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। दरअसल मलेशिया और इंडोनेशिया के आसपास समुद्र में सामा बजाओ नाम के आदिवासी लोग रहते हैं, जो पूरी तरह से समुद्र में अपना जीवन बिताते हैं। और ये लोग कभी भी जमीन पर पैर भी नहीं रखते। समुद्र के बीच रहने वाले ये लोग पानी में ही अपना घर बनाकर रहते हैं। और जमीन पर ये लोग शायद ही आते हैं जब कोई बोट बनानी हो या किसी मरे हुए इंसान को दफनाना हो। और अगर इनके इतिहास के बारे में बात करें, तो इनका कोई पक्का इतिहास तो नहीं है, पर कुछ तथ्यों के अनुसार जब मलेशिया सरकार ने इन्हें देश में रहने नहीं दिया, तभी इन लोगों ने समुद्र में बोट पर लकड़ी के घर बनाकर रहने लगे। और अगर इनकी सभ्यता की बात करें, तो इनमें से ज्यादातर लोग खुद को सुन्नी मुस्लिम मानते हैं, पर इनकी परंपरा इन सब से बिल्कुल अलग है। और समुद्र में रहने के बावजूद ये लोग अपने त्योहार भी मनाते हैं, जिसमें अपनी बोट और घर को सजाकर नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते हैं। पर इतना सब होने के बावजूद इन लोगों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, और ना ही इन लोगों का कोई स्थायी निवास होता है, और ना ही ये लोग पैसों का इस्तेमाल करते हैं। और जीने के लिए ये लोग समुद्र में सब्जियां उगाते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। और वहाँ के खाने में हिवाना सबसे मुख्य है, जिसमें ज्यादातर समुद्री भोजन होते हैं। पर समुद्र में रहने के बावजूद ये लोग आम इंसानों से कई गुना बेहतर होते हैं, जैसे कि ये लोग समुद्र में लगभग 200 फीट की गहराई में 13 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के। और मछली और समुद्री जीव पकड़ने के लिए ये लोग भाले का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के बच्चों को छोटी सी उम्र में ही गहरे पानी में तैरना और शिकार करना सिखाया जाता है, जिस कारण यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी ही आसानी से ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीवों को पकड़ते हैं, और ये अकेले ही बड़ी बड़ी बोट चलाने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपनी सारी जिंदगी पानी पर बिताते हैं, जहाँ आज आम इंसान ऐसा करना सोच भी नहीं सकता। साथ ही इनकी यही परंपरा और स्किल्स इन्हें महाकाय समुद्र में भी सुरक्षित रखते हैं। और ये सारी बातें सुनने में जितनी आसान लगती है, उतनी ये है नहीं, क्योंकि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया को छोड़कर पानी में जिंदगी बिताना आसान नहीं है। और इंसानी सभ्यता के इतने विकास के बावजूद समा बजाओ जनजाति के लोग आज भी कुदरत के साथ रह रहे हैं। पर मौजूदा समय में स्थानिक सरकार और बदलती दुनिया की वजह से ये लोग भी आम जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, पर फिर भी समुद्री जैसे जगह पर अपनी सारी जिंदगी बिताना मुमकिन नहीं लगता। और समुद्र में रहते हुए समुद्री तूफान, महाकाय जीव जैसे चुनौतियों का सामना ये लोग कैसे करते होंगे, साथ ही समुद्र में रहते हुए पीने के लिए पानी जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम ये लोग कैसे करते होंगे, ये समझ नहीं आता। और समा बजाओ लोगों की यही सभ्यता इन लोगों को असामान्य बनाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरपूर इसके लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हर नए मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।